हेलो एंड वेलकम टू साइबर वॉइस। तो गाइस अगर बात करें मिड रेंज फोन का, आपने सुना ही होगा कि मिड रेंज फोन वो हर एक चीज़ कर सकते हैं जो कि फ्लैगशिप फोन कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि हम फ्लैगशिप फोन में इतना पैसा क्यों डाले जब मिड रेंज फोन वो सारा काम कर सकता है। फिर मिड रेंज फोन की जो प्राइस रहती है वो फ्लैगशिप फोन के मुकाबले इतनी कम क्यों होती है। तो आज के जुड़े हम यही देखेंगे कि फ्लैगशिप फोन और मिड रेंज फोन के बीच क्या डिफरेंस है और कौन सा फोन बेटर है आपके लिए। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, गाइस प्लीज लाल बटन दबा दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को ग्रोने के लिए हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डिस्प्ले टेक्नोलॉजी से। अगर कुछ साल पहले की बात करते तो हमें बोल सकता था कि फ्लैगशिप फोन में कहीं ज़्यादा बेटर डिस्प्ले रहता है, हायर रेजोल्यूशन रहता है, मिड रेंज में ऐसा कुछ नहीं रहता है। बट आज के टाइम पे जहाँ डिस्प्ले टेक्नोलॉजी दोनों ही फोन में बहुत ही मतलब टक्कर टू टक्कर चलती रहती है, ऑलमोस्ट बोल सकते हो दोनों ही फोन में सेम डिस्प्ले चलते हैं, मतलब जो न्यू टेक्नोलॉजी डिस्प्ले रहते हैं वो ही रहते हैं। और अगर गेमिंग फोन की बात करें जो कि मिड रेंज फोन में ही आते हैं, तो उनका डिस्प्ले तो फ्लैगशिप फोन से भी बेटर हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो टच सैम्पलिंग रेट रहती है वो ज़्यादा रहती है, उसके अंदर जो कहते हैं रिफ्रेश रेट रहता है वो ज़्यादा रहता है, 144Hz तक जा चुका है अभी तो। और जो सादे मिड रेंज फोन रहते हैं उसके इतना हाई नहीं रहता, बट उनका ऑलमोस्ट सेम रहता है फ्लैगशिप फोन के जैसा। तो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में अगर बात करूँ तो फ्लैगशिप फोन मिड रेंज फोन में आजकल ज़्यादा कुछ फर्क रहा नहीं है, बोल सकते हो 19-20 का ही फर्क है। अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे आता है प्रोसेसर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रोसेसर ही रिस्पॉन्सिबल रहता है आपके फ़ोन के परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस पे, यानी कि ग्राफिक्स कैसे, नेटवर्किंग कैसी रहेगी, कैमरा क्वालिटी कैसी रहेगी, ये सब प्रोसेसर डिटरमाइन करता है। अगर फ्लैगशिप की बात करें तो फ्लैगशिप में तो आपको हमें लेटेस्ट प्रोसेसर जो भी उस समय में रहेंगे उस फ़ोन में रहने वाले, बट मिड रेंज फ़ोन में या तो 1-2 साल पुराने जो फ्लैगशिप फ़ोन के प्रोसेसर रहते हैं वो आपको मिलते हैं। बट आज के टाइम पे कुछ कुछ मिड रेंज फोन में आपको कहते हैं स्नैपड्रैगन 888 दिखता है, जो कि एंड्रॉयड का वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है। तो बोल सकते हैं कि मिड रेंज कुछ मिड रेंज फोन में जो कि हायर मिड रेंज में आते, मतलब जो थोड़ा ज़्यादा पैसे लगते उसमें आपको बेस्ट प्रोसेसर मिल जाता है, बट ऑब्वियसली वो प्रोसेसर तो इतना अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं रहता है जो कि फ्लैगशिप फोन में रहता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑब्वियसली फ्लैगशिप फोन जो है उसमें ज़्यादा थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस रहेगा, थोड़ा ही ज़्यादा बेटर बोल सकते हैं, बट लॉन्ग टाइम में अगर देखें तो आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस डिफरेंस दिखेगा। अगर कहते हैं फ्लैगशिप जो ज़्यादा चल देगा और मिड रेंज फोन इतना नहीं चल पाएगा क्योंकि इतना ऑप्टिमाइज नहीं है। तो ऑप्टिमाइजेशन की बात ही करें तो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन और सपोर्ट की बात करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर हो कितना स्मूथली चलता है आपके हिसाब से, मतलब कि जैसे कि आपको मालूम होगा कि एप्पल का वन ऑफ द स्मूदेस्ट और बेस्ट कहते हैं सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है। उसका आंसर भी बड़ा सिंपल है, क्योंकि एप्पल ही खुद अपना हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करता है और अपना सॉफ्टवेयर भी खुद ही डेवलप करता है, तो वो दोनों एक दूसरे के हिसाब से बनाए जाते हैं। बट एंड्रॉयड में क्या होता है कि हार्डवेयर मैन्युफैक्चर कोई और रहता है, जैसे कि क्वालकॉम, मीडियाटेक, और सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर रहते हैं सैमसंग, ये सब जो रहते हैं इतना अच्छा ऑप्टिमाइजेशन हो नहीं पाता। स्टिल जो फ्लैगशिप फोन रहते हैं वो अपना सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर के हिसाब से बनाते हैं। अब मिड रेंज फोन की बात करें तो उसका पैसा इसमें खर्च नहीं कर सकते, तभी उसकी प्राइस इतनी कम रहती है। उसी रीजन की वजह से क्या होता है कि इसका सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन इतना अच्छा नहीं रहता है, तो आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस ड्रॉप मिलेगा सॉफ्टवेयर में, इतना स्मूथ नहीं मिलेगा जितना आपको फ्लैगशिप में मिलेगा। बात कर ही रहे तो वन प्लस, लेकिन इस मामले में बहुत अच्छा है, जो उसका ऑक्सीजन ओएस है वो ज़्यादा स्मूथ है मिड रेंज फोन में अगर बात करें तो। अब सपोर्ट की बात करते हैं, सपोर्ट जो रहता है यानी कि अगर फ्लैगशिप की बात करें तो आपको 2-5 साल तक आपको अपडेट्स मिलेंगे, कोई बग आ जाता है आपको बहुत जल्द से जल्द आपको वो बग क्लियर हो जाएगा, बट मिड रेंज फोन में ऐसा नहीं होगा। मिड रेंज फोन में आपको 1-2 साल आपको मे बी सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेंगे, इसमें भी एक मेजर अपडेट मिलेगा, बाकी इतने अपडेट्स जो रहेंगे नहीं मिलेंगे। दूसरी बग की बात करें, कोई बग आ जाता है तो वो इतनी जल्दी फिक्स नहीं होगा जितना कंपैरेटिवली फ्लैगशिप फोन में होगा। और बजट फोन की यहाँ पर कंपेयर करें तो उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना आपको सॉफ्टवेयर मुश्किल से सॉफ्टवेयर मिलते अपडेट्स मिलते हैं और बग तो रेयरली क्लियर होते हैं। अब बात करते हैं कैमरा क्वालिटी की, जहां आज के टाइम पे कैमरा एकदम कैमरा इतने सस्ते हो गए, इवन बजट फोन में आपको इतने अच्छे कैमरे मिल जाते हैं, मिड रेंज फोन और फ्लैगशिप फोन में कैमरे में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही कैमरे बहुत अच्छे यूज़ करते हैं। इवन आप बोल सकते हो फ्लैगशिप में उल्टा कैमरा सेटअप में कम कैमरे मिलते हैं, 3 या 4 कैमरा के सेटअप मिलते हैं, वही मिड रेंज में आपको 4-5 कैमरा सेटअप मिल जाते हैं। बट अगर बात करें कैमरा क्वालिटी की तो दोनों ही फोटोग्राफी में ऑलमोस्ट टक्कर दे देते हैं एक दूसरे को, बट जो मेन डिफरेंस आता है कैमरा में वो आता है वीडियोग्राफी में। वीडियोग्राफी में आपको फ्लैगशिप फोन में ज़रूर से एक डिफरेंस मिलेगा कि फ्लैगशिप फोन की जो वीडियोग्राफी रहेगी वो कहीं ज़्यादा हायर होगी, वही कंपेयर करें मिड रेंज फोन की तो आपको इतनी अच्छी क्वालिटी वीडियो में नहीं मिलेगी।
हमारे नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, बिल्ड क्वालिटी। अगर ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा टक्कर टू टक्कर 19-20 का फर्क होता है। दोनों ही मिड रेंज और फ्लैगशिप हो, दोनों में आपको गोरिल्ला ग्लास मिलता है, बैक ग्लास पैनल, फ्रंट में गोरिल्ला, दोनों ही गोरिल्ला ग्लास से कवर्ड रहते हैं। दोनों ही फ़ोन के जो लुक्स रहते हैं बहुत ही खतरनाक और मस्त रहते हैं। बट मेन जो डिफरेंस आता है इसमें भी वो आता है इंटरनल्स, जो कि फ्लैगशिप फ़ोन के जो इंटरनल्स है वो ज़्यादा अब्यूज़ यानी कि ज़्यादा डैमेज और फॉल ले सकते हैं देन कंपेयर टू मिड रेंज फ़ोन, जो कि आप बोल सकते हैं ज़्यादा फॉल डैमेज नहीं ले, मतलब अब्यूज़ ज़्यादा नहीं ले सकते फ़ोन का। दोनों ही लेकिन फ़ोन बड़े रिजिड होते हैं, अंदर एक मेटल स्ट्रक्चर रहता है सपोर्ट करने के लिए। तो फ्लैगशिप फ़ोन और मिड रेंज फ़ोन में अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो अगर आप केयरफुली रखते हो तो डेफिनेटली दोनों ही फ़ोन एकदम सेम टू सेम बोल सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है ब्रांड वैल्यू। अगर बात करें ब्रांड वैल्यू बहुत ही लाइक फ्लैगशिप फ़ोन की ब्रांड वैल्यू कहीं ज़्यादा ऊपर थी मिड रेंज के कंपेरिजन में। ऑफिस अगर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके फ़ोन को ज़्यादा अट्रैक्शन मिलेगा, ज़्यादा डिमांड है आपके फ्लैगशिप फ़ोन की। यानी कि अगर आप रीसेल करने जाते हो एक फ्लैगशिप फ़ोन तो आपको 50% अमाउंट तो मिल ही जाएगा। वो अगर मैं एग्जांपल दूँ तो अभी भी iPhone 6 खरीदने के लिए लोग रेडी है, iPhone 6 जो कि इतना पुराना फ़ोन है। मिड रेंज फ़ोन की जो ब्रांड वैल्यू रहती है वो इतनी नहीं रहती। आप अगर फ़ोन उसको रीसेल करने जाते हो कि कंडीशन भी उसकी अच्छी है तो भी आपको उस फ़ोन के इतना अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा, उसका जो ब्रांड है इतना नहीं, आपको इतना अच्छा अट्रैक्शन नहीं मिलेगा। उसकी जो डिमांड है फ्लैगशिप फ़ोन के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। तो डेफिनेटली ब्रांड वैल्यू जो रहती है वो एक फ्लैगशिप फ़ोन की रहती है, जैसे कि एप्पल आईफोन, सैमसंग का गैलेक्सी नोट सीरीज, एस सीरीज। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और न्यू टेक्नोलॉजी। डेफिनेटली फ्लैगशिप फोन भी इसमें टक्कर कर लेता है, क्योंकि फ्लैगशिप फोन की जो प्राइस मेन जो हाई रहती है इसी रीजन से रहती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च रहता है, डेवलपमेंट लगता है, और उसमें आपको मोस्टली सारी न्यू टेक्नोलॉजी जो आपको फ्लैगशिप फोन में मिलेगी। मिड रेंज फोन में नहीं, आप उतना मिड रेंज फोन में जो मैन्युफैक्चर नहीं उतना स्पेंड करते रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तभी उसी रीजन से उसका फ़ोन का प्राइस भी कम रहता है। साथ ही आपको जो न्यू टेक्नोलॉजी वो फ्लैगशिप फोन में ज़्यादा देखने को मिलेगी रेदर देन एक मिड रेंज फोन में। तो इस मामले में फ्लैगशिप फोन जो आगे रहता है, आपको बेसिकली आपको फ्लैगशिप फोन में सब कुछ नया नया मिलेगा, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी। एक डिसएडवांटेज भी होता है, अगर कुछ नई टेक्नोलॉजी में बग है तो वो भी आपको साथ में मिलेगा। तो अब हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं कि मिड रेंज फोन लेना चाहिए कि फ्लैगशिप फोन लेना चाहिए। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो आपने देखा कि फ्लैगशिप फोन जो है उसका परफॉर्मेंस मिड रेंज फोन से थोड़ा बेटर ही रहता है, लाइक 19-20 का फर्क रहता है। बट अगर प्राइस को अगर इसमें हम इंक्लूड कर देते जो कि मेन हमारा पॉइंट है, वो अगर कंपेयर करें तो कहते वैल्यू फॉर मनी जो प्रोडक्ट है वो फ्लैगशिप फ़ोन नहीं रहता। फ्लैगशिप फ़ोन एक लग्जरी प्रोडक्ट हो जाता है, वही मिड रेंज फ़ोन आपका एक कहते प्रैक्टिकल प्रोडक्ट हो जाता है। और वैल्यू फॉर मनी ऑब्वियसली फ्लैगशिप मिड रेंज फ़ोन की ज़्यादा है, मैंने आप जितना पे कर रहे आपको उतना मिल रहा है, बट फ्लैगशिप फ़ोन में आप बहुत ही ज़्यादा हाई पे करते हो कंपेरेटली मिड रेंज फोन के। सो इसी कारण आज के लिए यही कहता हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो उसके बाद लाइक एंड गाइस और सब्सक्राइब करना, लाल बटन से दबा दीजिए गाइस। और गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी थी या नेक्स्ट वीडियो किस पर। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।